भरूच में स्थानीय अपराध शाखा ने विदेशी शराब से लदे दो ट्रकों को पकड़ा, लाखों का माल जब्त। आपको बता दें कि भरूच लोकल क्राइम ब्रांच ने NH-48 पर भरूच और अंकलेश्वर के बीच टोल नाका से विदेशी शराब से लदे दो ट्रकों को जब्त किया है और उसमें 27 लाख रुपए से अधिक की विदेशी शराब भी जब्त की है। पुलिस ने हरियाणा से लाखों रुपए की भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है और यह पता लगाने के लिए सभी दिशाओं में जांच शुरू कर दी है कि यह मात्रा कहां पहुंचाई जानी थी। यह उल्लेखन किया जा रहा है कि जहां राज्य में शराब पर सामान्य प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है, वहीं भरूच के पास हरियाणा से भारी मात्रा में शराब जब्त की गई थी जो पुलिस विभाग की गश्त से निकली थी। भरूच से साहिल मंसूरी के साथ प्रकाश वैष्णव की एक रिपोर्ट। भरूच पुलिस दारूबंदी कायदा चुस्तपणे अमल करावा माटे सतत प्रयत्नशील छे अने आ बाबते अमारा पुलिस अधीक्षक श्री भरूचना द्वारा पण अवारनवार सूचनाओ आपवामां आवेली छे। खास करीने नेशनल हाईवे नंबर 48 छे, यहाँ गैरकायदेसर रीते जे दारूनी हेराफेरी थाय छे एना उपर वॉच राखवा माटे साहेबश्रीए सूचना आपेली। जे अनुसंधाने अमारी LCBની टीम पेट्रोलिंगमां हती ए दरमियान एने बातमी मळेली के अंकलेश्वर जे मांडवा टोल नाका छे यहाँथी एक राजस्थान पासिंग अने एक अपना गुजरात पासिंगना बे ट्रको हरियाणाथी दारू भरी अने भरूच जंबूसर थी अने भावनगर निकलनार छे ए बातमी आधारे अमारी टीम त्यां वॉचमां हती अने चोक्कस नंबरवाला बंने जे ट्रक हता ए आवता एने अटकावी अने एनी तलाशी लेता एनी अंदर गुप्त चोरखाना बनावेला हता अने बंने ट्रकमांथी टोटल 584 बॉक्स बॉटलो टोटल 7044 किंमत रुपया 27,36,600 भारतीय बनावटनो विदेशी दारू अने बे ट्रक 20 लाख रुपयाना अने मोबाइल मळी अने 48,77,800 मुद्दा माल LCB पुलिसे कब्जे करेलो छे अने अंकलेश्वर सिटी पुलिस स्टेशनमां आ अंगे गुनो दाखल करीने हाल आ गुनानी तपास अमारी LCBની टीम करी रही छे।